मुख टेढ़ा ऐसा है ही क्या कर रहे हो? अच्छा कहाँ पे? हम कहीं नहीं जा रहे, मेरी दो वीडियो बनी बनाई और ख़राब हो गई। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी है इवनिंग का टाइम और शाम के बज रहे हैं 5 बज रहे होंगे और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और आज ना मौसम ने मतलब हद ही कर दिया, कभी धूप है तो कभी छांव है तो कभी बारिश है। और यहाँ पे देखिए मौसी के घर पर कितना अच्छा लगता है ना चारों तरफ। चलो घुमाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग आ गए हैं छत पे। और ये देखिए काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और आज है 15 अगस्त। तो फ्रेंड्स आज 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी ना 15 अगस्त के लिए, तो वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई है, आज इतना दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये देखिए की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही होगी। चलो हस्बैंड से पूछते हैं क्या हो गया। परी को आ रहा है 2-3 दिन से बुखार और लेकिन अभी तो आराम है। परी की दो चोटी और परी का बर्थडे बहुत अच्छा मन गया है। मैंने सोचा नहीं था, मतलब सोचा क्या था, मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा चलो कुछ नहीं बस यहाँ पर मतलब 14 तारीख को मुझे जाना था, तो मैं सोच रही थी संडे को कि उसका बर्थडे मैं कैसे मनाऊँ। शाम को घर चले जाएंगे तो यहाँ से हारे थके जाते तो मतलब कैसे क्या हो जाता, तो इसलिए मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा था। तो मंदिर से जब लौट के आए तो फिर परी के नाना बोले थे कि नहीं बेटा उसका बर्थडे मनाएंगे हम, और फिर मनाया बर्थडे सभी लोगों ने। तो फ्रेंड्स देखिए इसका मतलब पीछे का बैकग्राउंड कितना अच्छा आ रहा है ना। और ये भी आ गए थे शाम को परी के बर्थडे के दिन, ये भी आ गए थे। तो आज है 4th यानी 15 तारीख को 4th है और 15 अगस्त भी है। तो आज ना मेरे यहाँ पे जो मतलब जितने स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं तो सबकी रैली निकली हुई थी और हमारे यहाँ सब फ्रेंड्स पता है मैंने माता जी को ऐसे डाली थी अपनी वीडियो में। तो चलो
यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर है। मुझसे बोल रही थी कि कहाँ जाएंगे पूजा करने, मंदिर है ये वाला। तो वो स्टेशन है वो देखो सामने, देखो चलो 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 बूंदे आगे, चलो बूंदे आगे, चलो 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 कितने बजे आ जाओगे? 11 बजे? 12-1 बजे आ पाओगे? तैयार हो गए हो? तैयार हो गए हो? अमन तैयार हो गए हो? तो फ्रेंड्स आज माता जी बनाने जा रही हैं आलू परवल की सब्जी, और चलो उनकी मतलब कैसे बनाती हैं वो रेसिपी शेयर करेंगे। और मैं तो जब बनाती हूँ वो तो आप लोग देखते ही हो, और माता जी के हाथ की आलू परवल की सब्जी ये देख, माता जी काट रही हैं सब्जी, और ये देखिए काट रही हैं परवल, हरी मिर्च और प्याज लहसुन टमाटर हैं, आलू हैं, और ये है हरे धनिया, और ये ले लिए कढ़ाई में तेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया था सरसों का तेल, और तेल गरम हो गया था, उसमें हींग जीरा डाल दिया, चटक गया था, तो यहाँ पे डाल दिया मम्मी ने लहसुन प्याज, और लहसुन प्याज भुन गया था तो ये डाल दिए हरी मिर्च, और हरी मिर्च एक साथ डालो ना तो एकदम मतलब भस उड़ जाती है, मतलब भस क्या होती है कि खांसी छींके आने लगती हैं, बहुत अजीब सा लगने लगता है। और ये देखिए हमारे लहसुन प्याज तो भुन ही रहे हैं, और हरी मिर्च भी यहाँ पर डाल दी है मम्मी ने, तो हरी मिर्च भुन गई है। तो अब इसमें डाल देती हैं परवल, और परवल के छिलके नहीं उतार रहे हैं, मतलब धुल के अच्छे से और काट दिए थे, और ये देखिए परवल डाल दिए हैं। तो अब इन्हें अच्छे से करेंगे फ्राई पहले। तो फ्रेंड्स परवल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और यहाँ पर डाल दिए हैं उन्हें मसाला। तो मसाले में डाला उन्होंने धनिया पाउडर और हल्दी, और आज सब्जी ज़्यादा बन रही है क्योंकि मतलब हम घर पर जाएंगे तो मम्मी रख देंगी हमारे लिए पूरी सब्जी। तो यहाँ पे डाल दिया है हरा पिसा हुआ धनिया, हल्दी और मिर्च, और वैसे मिर्च नहीं डालते हैं, मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा कि मम्मी पापा दवा खाते हैं तो मतलब लाल मिर्च बहुत ही कम यूज करते हैं। और ये देखिए अभी हम मतलब हमारे लिए रख रहे हैं तो सोचा कि हाँ सब्जी बाहर जाएगी तो इसलिए उन्होंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। और लाल मिर्च डालने के बाद अच्छे से भून लिया था मसाला, और ये डाल दिए आलू, और अब आलू और परवल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी की गैस के पास मैंने लगाया है न्यूज़पेपर है यानी अखबार लगा दिया है, जो छींटे आ जाते हैं ना उससे दीवार ख़राब हो जाती है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं सुबह से इसी में लगी थी, मैंने लगा दिया, मम्मी बोल रही थी लगा के जाना, और ये देखिए। और अभी ना फ्राई कर रही हैं आलू, और अच्छे से फ्राई करती हैं, और ये देखिए मसाले में परवल आलू अच्छे से मिल गए थे। तो अब उसमें डाल दिया है पानी, और सब्जी रसीली नहीं रखेंगे, मतलब सूखी भी नहीं होगी और ना ही रसीली होगी। और ये देखिए पानी डाल दिया है, अब इसमें डाल देंगे नमक, वो भी स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मम्मी ने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड्स अभी
और अब इसे मिला देते हैं। और ये देखिए ढक दिया है और एक उबाल तक मतलब उबाल आने तक इसे पकाएंगे। और यहाँ पे काट के रखे हैं टमाटर और हरा धनिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया था एक उबाल यानी कि, तो तभी डाले हैं टमाटर। अगर पहले डाल दो ना तो आलू मम्मी बोलती हैं कि मतलब अच्छे से नहीं पकते हैं। और मैंने भी ट्राई किया है, ये भी सही है। तो उन्होंने थोड़े से आलू पक गए थे तब उसके बाद डाले हैं टमाटर। और ये देखिए बनके हो गई है रेडी सब्जी बिल्कुल भी। और इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं है। और हम लोग गरम मसाला ये चीज़ें डालते हैं तब। वैसे मेरी मम्मी ना खाने में पिसा हुआ धनिया और हल्दी और नमक बस और तेल होता है यही चीज़ डालती हैं। और मसाले वगैरह तो बहुत ही कम तीज त्यौहार पर डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है अपनी मेहंदी, कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी बज रहे हैं 11:30, तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने और तैयार होंगी। और ये देखिए इधर इस साइड ऐसी हल्की सी लगाइए और इस साइड लगाइए ऐसी। तो चलो तैयार हो जाते हैं, लेट भी हो जाएंगे फिर। बर्थडे के दिन नहीं लगाई, आज लगा रही हो। ये देखो हैप्पी बर्थडे टू बहुत कहीं तक खुले वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मौसा जी की बात हो रही है और वो बाहर लेटे थे, रात में बारिश आ गई और ये लोग सोते रहे। इन्होंने मतलब उनकी आवाज़ नहीं सुनी और बहुत मतलब भींग गए थे वो ज़्यादा। और फिर सुबह इन्हें बता रहे थे, इन्होंने माता जी को बताया तो माता जी मुझे बता रही हैं। और यहाँ पे मैं नहा के तैयार हो गई थी, साड़ी भी पहन ली थी। तो माता इनका लाल रंग लगा देते हैं और अभी भाभी आई नहीं थी स्कूल से तो इसलिए माता जी रंग लगा रही थी। और ये देखो हमारे रंग लग रहा था पर ये हमारी बीच में आ गई हैं। तो यहाँ पे माता जी रंग लगाती जा रही हैं और हम अपनी तैयारी भी करते जा रहे हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी चलो लेट हो जाएंगे। और मायका भैया मायके से इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं, यहाँ से आने की तो जल्दी जाने की जल्दी पड़ जाती है लेकिन वहाँ से आने की जल्दी नहीं होती है, आराम आराम से आते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी महावल लगा रही हैं और मम्मी अपने तरीके से महावल लगाती हैं वो डंडा लकीरें कर करके। और मैं ना बस एक बिंदी रख लेती हूँ तो बोलती हैं कि आधी अधूरी महावर मत लगाया करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी महावर लग रही है और परी भी बैठी हुई है बीच में, लगवाई है इन्होंने मतलब मेरी महावर छुड़वा के और अपनी महावर लगवाई है। और ये यहाँ पे परी की महावर लग गई थी फिर भी सोच रही थी इसमें 3-5 कर दो। और ये देखिए मेरी महावर भी लग के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ गए ऑटो में और ये देखिए बस स्टैंड पे पहुँच गए थे, ऑटो में बैठ गए हैं। और अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।